अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद जुबैर और आप देख रहे हैं मेडजेंटेक। आज हम बेसिकली जिस मशीन के बारे में आपको इंट्रो देने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं वो है कैटरेक्स 3Z। इससे पहले उसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो हमारा कैटरेक्ट है, कैटरेक्ट होता क्या है, सफेद मोतिया जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम बोलते हैं सफेद मोतिया। अब सफेद मोतिया क्या होता है, ये एज फैक्टर के साथ साथ कौन सा है, हमारी आंखों के अंदर जो विजन है वो लॉस होना शुरू हो जाती है, हमारा जो लेंस है वो बेसिकली ओपेक होना शुरू हो जाता है। तो उसको निकालने के लिए जो मशीन हम यूज करते हैं उसको बेसिकली हम फेको मशीन कहते हैं, और इस टर्मिनोलॉजी को जो हम वर्डिंग यूज करते हैं फेको मल्सिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हमारी मशीन है जो कि कैटरेक्स 3Easy है। ये मॉडल प्रोडक्शन ये है कि इसके जो पार्ट्स साथ होते हैं इसके साथ एक इन्फ्यूजन बॉल आता है जो आप देख सकते हैं, जिसके साथ हमारे इसके साथ जो है बेसिकली लीनियर फुट पैडल यूज होते हैं जो आपको ये नजर आ रहा है। इसके तीन ये मॉडल, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जनरल फंक्शन है और ये सारा हम आपको अभी साथ बता देते हैं। फिर इसके कुछ पार्ट्स हैं जो इसकी एक ट्यूबिंग साथ यूज होती है, उसके साथ इसकी फेको टिप है, फेको स्लीव है, चैम्बर है, और इसके साथ सबसे मेन जो चीज़ है वो है हमारा फेको हैंड पीस। ठीक है, इसके साथ एक डाय हैंड पीस भी यूज होता है। बेसिकली जो फोर्स आपको नज़र आ रही हैं ये हमारी फेको हैंड पीस के लिए यूज़ करते हैं इसको, और ये वाली जो रेड है इंडिकेशन कर रही है ये हमारी डायथर्मी के लिए यूज़ होती है, और जो ये दो पोर्ट्स आपको नज़र आ रही हैं ये हमारे इंटीरियर एडिटमिक कटर CF कटर के लिए यूज़ होती हैं। और अब हम आपको मशीन को ऑन करके दिखाते हैं। इसके साथ जो है बेसिकली लीनियर फुट पैडल यूज़ होते हैं जो आपको ये नज़र आ रहा है। प्रेस करने के बाद मशीन आपकी ऑन हो जाएगी, इस तरह आपको एक इंडिकेशन साउंड आएगा और ये मशीन खुद टेस्ट सेल्फ टेस्ट करती है। ये जनरली अब सिस्टम रेडी है हमारा, तो अब हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो फंक्शन यूज़ हो रहे होते हैं वो हमारा फेको का हो रहा है, IA का हो रहा होता है, डाया और वेटरेटमी जो सा है हम बेसिकली इसमें हम सर्जरी के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी अटैचमेंट की तरफ चलते हैं, तो अटैचमेंट में देखते हैं कि इसकी अटैचमेंट किस तरह करनी है, कौन कौन सी एक्सेसरीज होती हैं और उनको हमने लगाना किस तरह होता है। तो सबसे पहले जो सा है इसके साथ एक IA ट्यूबिंग यूज़ होती है, बेसिकली वो आप देख रहे होंगे ये सिलिकॉन की मेड बनी हुई है जिसको हम IA ट्यूबिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसको लगाने का इसके अटैचमेंट का एक स्पेसिफिक तरीका है, वो आपने किस तरह लगानी है तो वो हम आपको दिखाते हैं कि इसको अटैचमेंट आपने किस तरह करनी है। ये देखें, आपने ये इसका सेफगार्ड सेंसर पोर्शन है जिसके अंदर इसकी ये पिन है, आपने इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और इसको इंसर्ट कर देंगे। ये आपका जो सा है 30 अबव एंगल के ऊपर जो सा है इंसर्ट होगी, उसके बाद आपने इसको डाउन पुश करना है, ये यहाँ पे इसका लॉक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसका जो ये वाला पोर्शन है जो आपकी इन्फ्यूजन लाइन के साथ लगेगा वो आपने इसको इसके अंदर लॉक करवा देना, ये बेसिकली इसका पिंच वॉल्व होता है जो इसको पिंच कर लेता है। इसके बाद थर्ड ये स्टॉपर होता है जिसके अंदर आपने इसका ये स्टॉपिंग ट्यूबिंग का है लॉक के अंदर फंसाना है, और यहाँ से आपने ट्यूबिंग को पकड़ना है, यहाँ से कभी भी नहीं पकड़ना और यहाँ से कभी भी नहीं पकड़ना। यहाँ से खींचेंगे आपकी ट्यूबिंग ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ से खींचेंगे तो आपकी ट्यूबिंग ब्रेक हो सकती है। ये जो पोर्शन बनाया हुआ है ये इसी पर्पज़ के लिए है कि आपने यहाँ से पकड़ के इसको स्टॉपर के अंदर लॉक के अंदर इंसर्ट करना है। तो उसके बाद ये ड्रेनेज है, ड्रेनेज बेसिकली क्या है, ड्रेनेज आपने अपनी वो आपने हैंड पीस अटैचमेंट किस तरह करनी है। ठीक है, ये हम आपको सारा बता रहे हैं मशीन को रेडी करने का तरीका, कि जब आपने कैटरेक्ट के लिए अपने फेको को रेडी करना है तो उसके लिए आपने बेसिक स्टेप जो करने हैं वो किस तरह करने हैं। परफॉर्म आपने ट्यूबिंग अटैचमेंट कर ली है, उसके बाद आपने अपना फेको का हैंड पीस लगाना है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक फेको हैंड पीस है, उसका एक कनेक्टर होता है जिसके ऊपर एक निशान बना होता है जो इंडिकेट कर रहा होता है कि आपने ये वाली साइड जो सा है मशीन के अंदर लगानी।
ठीक है। तो इस तरह हम इसको मशीन के अंदर लॉक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अपेको हैंड पीस के ऊपर हमने टिप वगैरह लगानी है, स्लीव लगानी है, उसके साथ चैम्बर लगाना है। इसका प्रोटेक्टिंग कवर होता है जो इसकी अगर टिप ऊपर हो तो उसको प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली इसके ऊपर ऑलरेडी रेगुलर टिप लगी हुई है तो ये अभी इसके ऊपर हम स्लीव चढ़ा देते हैं। ये रेगुलर इसकी स्लीव है। अब ये इसके साथ जो ये 2.8 mm की जो हमारी टिप है वो यूज़ हो रही है, इसके ऊपर जो स्लीव लगेगी, जो स्लीव इसके साथ यूटिलाइज होगी 19 गेज की होगी। ये इसके ऊपर लगा के इसको स्क्रू की तरह टाइट कर देना है। और इसका फर्स्ट बेवल जो है वो आपने साइड पोर्ट की तरफ रखना है, जो आपकी स्लीव का है। ये इसका एक्चुअल जोन सा है, आपकी पोजीशन होनी चाहिए ये वाली। उसके बाद इसका चैम्बर है, चैम्बर आपने इसके ऊपर लगा देना है। फिलहाल आप ऐसे लगा के इसको हम रख देते हैं। फिर सेकंड जो चीज़ आती है उसका ये है कि आपने इरिगेशन पोर्ट और एस्पिरेशन पोर्ट, ये आपने बेसिकली हैंड पीस के साथ अटैच करनी है। ये जो ब्रीक वाली पोर्ट है ये हमारी एस्पिरेशन पोर्ट कहलाती है, और ये जो दूसरी पोर्ट होती है ब्रीक वाली उसी के ऊपर हमने इसको टाइटली इंसर्ट कर देना है। इसी तरह ये इरीगेशन, इसका फ्लो डबल होता है, इसको इसके ऊपर हमने इंसर्ट कर देना है। ये हमारा हैंड पीस जो उनसे इसके साथ लग गया। अब हमने अपने हैंड पीस को रेडी करना है फॉर फेको के लिए। यहाँ पे हम फेको मोड के अंदर आ जाएंगे सिंपली, ठीक है। और सेकंड ये है कि हम इसके साथ इरिगेशन जो उनसे है अटैच कर लेंगे। यहाँ से अपने सेट को हम ओपन कर देंगे, ये लॉक हुआ है इसको खोल देंगे, ठीक है। फेको में आने के बाद हम नेक्स्ट क्या करना है, प्रियोप, ये बटन आपको नज़र आ रहा होगा, प्रियोप को हम प्रेस कर देंगे। इसके अंदर हमारी जो ट्यूबिंग है वो भी फिल हो जाएगी और हमारा हैंड पीस है वो भी टेस्ट हो जाएगा और रेडी हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये पंप व्हील जो सा चल रहा है, ये पेरिस्टाल्टिक बेस पंप है, और ये पंप व्हील जो सा है ये फ्लूडिक्स को ट्यूबिंग के अंदर से होता हुआ ये हैंड पीस के अंदर आ गया, ठीक है। अभी ये फिल हो गया चैम्बर, इसको हमने थोड़ा सा इस तरह हिला देना है ताकि इसके अंदर जो बबल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद ये प्रयोग जैसे ही पूरा होगा उसके बाद इसका टेस्ट, ये जो सा सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करेगा और ओके का फिर जब एक मैसेज आएगा उसका मतलब है कि आपका हैंड पीस फेको के लिए रेडी हो चुका है। अभी ये देखिए फेको टेस्ट उसे साथ ही इंडिकेट कर दिया। अभी ये हैंड पीस के भी अंदर से आपको साउंड आएगी और अभी यहाँ पे देखिएगा ये टेस्ट ओके है, इसका मतलब है कि अब आपका हैंड पीस रेडी है, आपकी मशीन जो आंसर है फेको के लिए रेडी है। थैंक यू सो मच।